दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा रैम पसंद है, अगर आप एक अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको 12 GB रैम मिले, 12 GB रैम का मतलब ये है कि आप उस फ़ोन को उसकी हदों से ज़्यादा पार ले जाना चाहते हैं और उससे ज़बरदस्त गेमिंग करना चाहते हैं, उसको निचोड़ लेना चाहते हैं, उस फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। जब आप 12 GB का रैम वाला फ़ोन लेते हैं तो उसमें आप सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे आपको एडिटिंग करनी हो, चाहे आपको फोटोग्राफी करनी हो, आपको मल्टीपल वर्क्स करने हो, मल्टीपल आप लोगों को ऐप्स चलाने हो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप उस फ़ोन को यूज़ कर पाते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो देख रहे हैं, उसके साथ साथ में गेमिंग भी कर रहे हो, वीडियो देखने के साथ साथ में आप टाइपिंग भी कर रहे हो, चैट भी कर रहे हो, तमाम सारी चीज़ें आप जैसे कंप्यूटर यूज़ करते हो उसी तरीके से आप इन फ़ोन्स को भी यूज़ कर पाएंगे जब आपके फ़ोन में 12 GB रैम होगी, साथ ही साथ ज़बरदस्त प्रोसेसर होगा। अगर आप 27,000 से 40,000 रुपये के बीच में एक अच्छा सा फ़ोन लेने को सोच रहे हैं, यानी कि इस बजट में आप एक ज़बरदस्त फ़ोन लेने को सोच रहे हैं, तो आज मैंने आप लोगों के लिए 4 ऐसे फ़ोन सेलेक्ट किए हैं जिनमें आपको 12 GB रैम मिलती है, साथ ही साथ ज़बरदस्त प्रोसेसर मिलता है। इन फ़ोन्स को यूज़ करने के बाद आप यही कहेंगे कि हाँ, मैंने एक ज़बरदस्त फ़ोन लिया है और अपने पैसों को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को ये टॉप 4 बेस्ट स्मार्टफोन। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम अपने चौथे स्मार्टफोन से, जिसमें आपको अच्छी स्पेक्स और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो फ़ोन निकल कर आता है वो है Realme का X7 Max। जी हाँ दोस्तों, Realme X7 Max में आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज, अच्छी रैम मैनेजमेंट और आप लोगों को एक ज़बरदस्त डिस्प्ले, जहाँ पर साथ ही साथ एक पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर और एक ज़बरदस्त बैटरी, जिसके बाद आपको इस फ़ोन में कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस लीजिए और शुरू हो जाइए। इस फ़ोन की कीमत भी आप लोगों को बहुत ही कम मिलती है, यानी कि ये फ़ोन आप लोगों का अंदर 30,000 की रेंज में आ जाता है। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन की स्पेक्स और प्राइस। दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा कोर 3 GHz का आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहां पर 12 GB रैम मिलती है, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जहां पर आप लोगों को 12 GB रैम मिलती, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, यानी कि बहुत ही अच्छा इंटरनल स्टोरेज और रैम मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त, जहां पर आप लोगों को 6.43 इंचेस की सुपर एमोलेड 120Hz के रिफ्रेश रेट वाली फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें देखने में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन लगता है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर पंच होल डिस्प्ले मिलती है, एजेस उचिन बहुत ही पतले मिलते हैं। फ़ोन ये 5G होता है, फ्यूचर प्रूफ भी हो जाता है, जहाँ पर बैक से भी देखने में फ़ोन बहुत ही अच्छा लगता है। बात करें अगर इस फ़ोन के कैमरे की, तो इस फ़ोन में आप लोगों को 64+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश लाइट के साथ, और 16 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। जहाँ पर अगर बात करें इस फ़ोन की बैटरी की, तो इस फ़ोन में आप लोगों को 4500 mAh की बड़ी बैटरी, सुपर डार्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो आप लोगों को इस फ़ोन में ज़बरदस्त प्रोसेसर मिल रहा है, एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर मिल रहा है, जिसकी मदद से आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और ये फ़ोन आप लोगों का 5G रेडी भी फ़ोन है, यानी कि फ्यूचर प्रूफ भी है आप लोगों का ये फ़ोन। और अगर इस फ़ोन के प्राइस की बात करें तो फ़ोन आप लोगों को 27,999 रुपये की कीमत में मात्र मिल जाता है, तो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त डील, अच्छा सा फ़ोन मिल रहा है आप लोगों को 28,000 रुपये की कीमत में मात्र, तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ोन निकल कर आता है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम अपने तीसरे स्मार्टफोन की। दोस्तों, तीसरा फ़ोन हमारा निकल कर आता है OnePlus का Nord CE 5G। बहुत ही अच्छा फ़ोन है OnePlus की तरफ से, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, जिसमें आपको 12 GB रैम का आप लोगों का सपोर्ट मिल जाता है ज़बरदस्त प्रोसेसर के साथ, और एक अच्छी बैटरी लाइफ और ज़बरदस्त डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है इस फ़ोन में, और इस फ़ोन की कीमत भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस फ़ोन की स्पेक्स और प्राइस। अगर बात करें इस फ़ोन की, तो आप लोगों को ऑक्टा कोर 2.2 GHz का स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, गेमिंग वगैरह के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है, जहां पर आप लोगों को 12 GB रैम मिलती है, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.43 इंचेस की आप लोगों को फ्लूइड एमोलेड मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी डिस्प्ले होती है फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट आप लोगों को मिलता है, और आप लोगों को यहाँ पर 64+8+2 MP का आप लोगों को ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है LED फ्लैश लाइट के साथ, यहाँ पर 16 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बड़ी बैटरी, वेब चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। आप लोगों को इस फ़ोन में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, वेब चार्जिंग जो कि बहुत ही अच्छा है, USB Type-C पोर्ट मिल रहा है, अच्छी बैटरी लाइफ मिल रही है आप लोगों को,
फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, ज़बरदस्त बैटरी लाइफ के साथ साथ में आप लोगों को अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, और उसके साथ साथ में आप लोगों को 12 GB रैम और यहाँ पर आप लोगों को 256 GB का इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को मिल रहा है। तो ये सारी खूबियाँ आप लोगों को इस फ़ोन में मिल जाती हैं। जहाँ पर अगर इस फ़ोन के प्राइस की बात करें तो फ़ोन आप लोगों को वही प्राइस में मिलता है, यानी कि 27,999 रुपये कीमत में ये भी फ़ोन आप लोगों को मिल जाता है, यानी कि मात्र 28,000 रुपये कीमत में आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिल जाती है। दोस्तों थोड़ा सा बजट को इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पर अगर आप 30 के ऊपर जाते हैं तो आप लोगों को OnePlus Nord 2 मिल जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर के साथ आता है। अगर देखें तो ये फ़ोन देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आता है। चलिए जानते हैं इस फ़ोन की स्पेक्स और प्राइस। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा कोर 3X का आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहां पर 12 GB रैम मिलती है, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो 6.43 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पर 90Hz का रिफ्रेश रेट आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाता है। फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले बहुत ही ज़बरदस्त डिस्प्ले होती है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो इस फोन में आप लोगों को 50+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ, जहां पर 32 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें अगर इस फोन के बैटरी की तो इस फोन में आप लोगों को 4500 mAh की बड़ी बैटरी, वेब चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पर आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इस फोन को बना देता है, जहां पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी आप लोगों को इस फोन में मिल जाता है। और अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो ज़्यादा महंगा नहीं है, 35,000 रुपये कीमत में आप लोगों को ये फ़ोन मिल जाता है। अब देखें तो ये फ़ोन में आप लोगों को स्पेक्स बहुत ही तगड़ी मिल रही है, प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा है, इसलिए मैंने इस फ़ोन को अपने दूसरे नंबर पर रखा है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम अपने पहले स्मार्टफोन की। दोस्तों पहला फ़ोन हमारा इस साल का बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन है, वो है ओप्पो रेनो 6 प्रो। इस फ़ोन में आप लोगों को कमाल की परफॉर्मेंस मिल जाती है, आप किसी के भी मुंह से सुनेंगे ये फ़ोन की तारीफ ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस आप लोगों को इस फ़ोन में मिलती है, कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेक्स और प्राइस। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा कोर 3X का आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहां पर 12 GB रैम मिलती है, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। जहाँ पर डिस्प्ले की बात की तो 6.55 इंचेस की फुल HD AMOLED 90Hz के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है, जहाँ पर देखने में फ़ोन बहुत ही स्टाइलिश लगता है, देखने में बहुत ही फ्रंट से अट्रैक्टिव लगता है। अगर बात करें बैक से तो बैक से भी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। बात करें अगर इस फोन की कैमरे की तो इस फोन में आप लोगों को 64+8+2+2 MP का आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है LED फ्लैश लाइट के साथ, और 32 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिलती है इस फोन के फ्रंट और बैक से। बात करें अगर इस फोन के बैटरी की तो इस फोन में आप लोगों को 4500 mAh की बड़ी बैटरी, सुपर वॉक चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पर आप लोगों को इस फोन में मिल जाता है, जहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाता है। तो अगर इस फोन की प्राइस की बात करें तो फोन आप लोगों को 39,999 रुपये की कीमत में ये फोन आप लोगों को मिल जाता है, यानी कि 40,000 रुपये की कीमत में ये ज़बरदस्त फोन आप लोगों की पॉकेट में हो जाता है, यानी कि चला जाता है। तो दोस्तों इस फोन में आप लोगों को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलती है, अच्छी आप लोगों को बैटरी लाइफ भी मिल जाती है, और ज़बरदस्त डिस्प्ले मिलती है, कैमरा परफॉर्मेंस लाजवाब मिलती है, अट्रैक्टिव आप लोगों को ये फ़ोन लगने वाला है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये जो तीनों फ़ोन हैं, चारों बहुत ही अच्छे फ़ोन हैं, ये चारों फ़ोन में आप लोगों को 12 GB रैम मिलती है, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, ज़बरदस्त प्रोसेसर और अच्छी डिस्प्ले। ये सारी खूबियों को रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया था कि जिन लोगों को एक अच्छा फ़ोन लेना है, जिनको अच्छी ज़्यादा रैम चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये फ़ोन सबसे ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।